गाजियाबाद में कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने वाले पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल गाजियाबाद में अफवाह फैलाने के उद्देश्य से कहा गया था कि कल यानी 19 मार्च से आगे 7-8 दिन यदि आप अपने और अपने परिवार को कोरोना से बचा ले जाएं तो आधे से ज्यादा जंग हम जीत लेंगे। दरअसल ऐसा कोई भी मैसेज गाजियाबाद प्रशासन की ओर से जारी नहीं किया गया। संबंधित मैसेज चलाने वाले के विरुद्ध पुलिस की तरफ से थाना कविनगर में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाई जाती है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें व्हाट्सएप के जरिए से एक जिला प्रशासन का नाम लेकर के अफवाहें फैलाई जा रही थी इस कोरोना के बारे में, और उसको संज्ञान में लेकर के कड़ी कार्रवाई करते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और वो सभी लोग जो इसमें शामिल थे, जो इस अफवाह को फैलाने में शामिल थे, उस संबंध में विवेचना जारी है। और यह भी देखा जा रहा है कि या किसी सोची समझी चाल के तहत तो नहीं किया गया कि अफरा तफरी इसमें फैले। सभी से गाजियाबाद पुलिस ये अपील करती है कि कोरोना के संबंध में जो भी सरकार के द्वारा घोषणाएँ की गई हैं या आपके जनपद के CMO या जिला प्रशासन के लोग जो बातें बताते हैं, सरकारी लोग जो बातें बताते हैं, उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया पर जो भ्रांतियाँ हैं उन पर विश्वास ना करें। सिर्फ आधिकारिक रूप से जो सूचनाएं जारी हुई हैं वो भी सोशल मीडिया पर हैं, सिर्फ उन पर ही विश्वास करें।